समय हम WDG-3A में सवारी कर रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पटरियों पर तरह तरह की चीज़ें दिख रही हैं। एक ये नाले का पुल निकल रहा है, साबी पुल, और इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो तमाम स्टेशन दिखेंगे। और यहाँ से यानी दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में हम इस लोकोमोटिव में सफ़र कर रहे हैं। आपको इसका हम सफ़र कराएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्पीड है और किस तरीके से बार बार जो लोको पायलट है वो बार बार चीज़ों को देख रहा है और समझ रहा है। यहाँ पर हम बाहर की तरफ देखते हैं कि किस तरीके से हरियाली दिख रही है। और दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ यहाँ पर दिख रही है वो हम कह सकते हैं ये पूरा का पूरा ट्रैक एक तरीके से इलेक्ट्रिक ट्रैक है। लेकिन हम इस समय अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ हम एक और दूसरा पुल यहाँ से गुजरते हुए इस तरीके के तमाम पुल इस ट्रैक पर मिलेंगे, क्योंकि रेलवे की जो सबसे बड़ी खूबी है वो खूबी ये है कि इसके इसमें तमाम नदी नाले भी दिखते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो अमूमन आप नहीं देख पाते हैं। और जब कभी भी रेलवे के किसी इंजन में आप सफ़र करते हैं तो एक अलग तरीके का एहसास होता है और उस एहसास को महसूस करने के लिए आपको इंजन में ही सवारी करनी पड़ेगी। लेकिन ये मौका सबको नहीं मिलता है, क्योंकि इंजन में सवारी करने के लिए एक ख़ास तरीके की परमिशन चाहिए होती है जो आमतौर पर हर एक व्यक्ति को नहीं मिलती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मौका हमें मिला है। और यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं और इंजन में जो लोको पायलट होता है उसको क्या क्या दिखता है, क्योंकि वहीं आप देख रहे हैं जो लोको पायलट देख रहा है। और भारतीय रेलवे की अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज हुआ करता था वो हम कह सकते हैं कि तमाम अनमैन्ड क्रॉसिंग्स एक बड़ा चैलेंज थी, जिसको इस सरकार ने हम कह सकते हैं पिछले 5 साल में पूरी तरीके से अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स को हटाया गया है। एक बड़ा चैलेंज जिसको पूरा किया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैक पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक मालगाड़ी निकल रही है और साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं पास में एक मंदिर भी दिख रहा है। इस तरीके की तमाम चीज़ें जब आप सफ़र करते हो तो दिखती हैं। और यहाँ पर स्पीड की बात करें तो यहाँ पर कासन है जिसकी वजह से स्पीड कम रखी गई है। और ये अमूमन तब होता है जब कोई स्टेशन आता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये स्टेशन गुजर रहा है और इस स्टेशन की बात करें तो ये स्टेशन खलीलपुर स्टेशन है और ये एक छोटा सा हॉल्ट है जहाँ पर अमूमन ट्रेनें नहीं रुकती हैं, पैसेंजर ट्रेनें यहाँ पर रुका करती हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है जो यहाँ हाल फिलहाल में बनाया गया है और आने वाले दिनों में इस तरीके का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखेगा, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें जो पब्लिक से जुड़ी हुई हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में हैं, उनको कहीं ना कहीं क्रिएट किया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है खलीलपुर रेलवे स्टेशन या रेलवे हॉल्ट पीछे निकलते हुए। और यहाँ पर और दूसरी चीज़ें अगर आप देखना चाहें तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक पूरा का पूरा ट्रैक दिख रहा है, दूर तक ट्रैक दिख रहा है। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी है क्योंकि मौसम थोड़ा सा इस बार की अगर हम बात करें तो बार बार जाड़ों में जिस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं उनका असर जो है इस ट्रैक पर भी दिख रहा है। और कहीं ना कहीं मौसम में जो बदलाव होता है उसका असर कहीं ना कहीं रेलवे की स्पीड पर भी पड़ता है, क्योंकि मौसम एक अहम रोल अदा करता है। यहाँ आप देख सकते हैं तमाम रेलवे के कर्मचारी इसी तरीके से काम करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ कासन है, यहाँ पर ट्रैक पर काम चल रहा है, तो तमाम जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर काम करते रहते हैं कि ट्रैक को दुरुस्त भी करना है। और 24 घंटे चलने वाले ट्रैक पर तमाम तरीके के ऐसे काम होते हैं जो आम आदमी को पता भी नहीं चलते हैं, लेकिन वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ट्रैक की देखरेख करना और 24 घंटे उस पर नज़र रखना एक आसान काम नहीं है। ये काम थोड़ा कठिन है और साथ ही साथ टेक्निकल है, लेकिन इसमें चूक अगर की जाती है तो काफ़ी भारी पड़ती है, तो लिहाजा इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। और इसी अंदाज में और इसी ध्येय के साथ रेलवे के कर्मचारी इसमें लगे रहते हैं, क्योंकि 24 घंटे हमेशा और हम कह सकते हैं 24 घंटे 12 महीने ट्रेन को चलना है। और ट्रेन का चक्का यानी देश के विकास का चक्का है, क्योंकि अगर ये रुका तो देश का विकास रुक जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसी उद्देश्य के साथ और यही मन में लेकर तमाम लोको पायलट इस ट्रैक पर चलते हैं। और अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं टच करता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो रेलवे में होने वाली कोई भी जो खबर है वो लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है और अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ट्रैक
इलेक्ट्रिक ट्रैक है, लेकिन जिस इंजन पर हम सवार हैं वो डीजल इंजन है, क्योंकि यहाँ से हम इस इंजन में बैठकर डीएफसी ट्रैक की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय रेलवे का ट्रैक है, और इस तरीके का ट्रैक हम कह सकते हैं आने वाले दिनों में इस ट्रैक पर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के दोनों हिस्से जो तैयार होंगे, चाहे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो या ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, उन दोनों हिस्सों पर हम कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियाँ चलेंगी, और ये जो ट्रैक है जिस पर हम इस वक्त चल रहे हैं इस पर मालगाड़ियाँ चलना बंद हो जाएंगी। तो इसका असर ये होगा कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेनें चल पाएंगी और उनकी रफ्तार भी बढ़ा करेगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर इस समय की अगर हम बात करें तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा की रफ्तार है इस इंजन की इस वक्त। और इस इंजन जिसकी हम बात कर रहे हैं WDG-3A है, और इसकी मैक्सिमम स्पीड 105 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और ये पुरानी तरह का इंजन है, लेकिन इसका एक अलग अंदाज है, इसका एक अलग हम कह सकते हैं कि चलने का तरीका है। और एक और स्टेशन यहाँ पर निकलता हुआ, एक और हाल्ट हम कह सकते हैं कि ये हाल्ट पीछे जा चुका है, कुंभावास दाबड़ी। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, तमाम जगहों पर इस तरीके का काम आपको नज़र आएगा जब आप ट्रैक पर चलेंगे, क्योंकि हर जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा खासा पैसा लगाया गया है और जिसका असर भी दिखना शुरू हो गया है, जगह जगह पर काम चल रहा है, और इसकी वजह से कई इलाकों में आज की अगर हम बात करें तो तमाम ट्रेनें हो सकता है कि देरी से चल रही हों, कई ट्रेनें कैंसिल की जाती रही हों, लेकिन आने वाले दिनों में इसका काफ़ी अच्छा असर दिखेगा, क्योंकि अगर हम ट्रिपलिंग की बात करें या डबलिंग की बात करें तो ट्रैक ट्रिपलिंग और डबलिंग का काम भी देश के तमाम इलाकों में चल रहा है, और साथ ही साथ देश में पूरी तरीके से 2024 तक कहा जा रहा है कि सारा का सारा ट्रैक इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा, यानी जितनी भी गाड़ियां चलेंगी वो इलेक्ट्रिक पर चलेंगी, और जिसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो रफ्तार बनी रहेगी, दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इससे एनवायरमेंट फ्रेंडली माहौल बनेगा, क्योंकि इस समय अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल कहीं ना कहीं पल्यूटिंग चीज़ है, यानी पॉल्यूशन फैलाता है, तो उस तरीके का पॉल्यूशन आने वाले दिनों में नहीं होगा। और रेलवे हम कह सकते हैं, भारतीय रेलवे की जब हम बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा संगठन बन जाएगा दुनिया में जो पर्यावरण के लिए पूरी तरीके से समर्पित होगा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि किस तरीके से ये ट्रैक चल रहा है, और इस यात्रा को आप इंजॉय करिए, इसकी आवाज़ सुनिए किस तरीके की आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि जब ट्रेन पर आप चल रहे होते हैं और तब उसमें अलग तरीके की ध्वनि आती है, लेकिन जब आप इंजन में चलते हैं तो किस तरीके की ध्वनि आती है, किस तरीके की चीज़ें होती हैं, इसको आप सुनिए तभी आप समझ पाएंगे। सुनिए जरा गौर से।
ठीक है। अलग से क्या वैसे बना रखते हैं।